ये जो लाइव ऑनलाइन सी एच कश्यपनी बारू के नाम से हमारा ऑनलाइन चैनल है YouTube पे, उस पे ये आज 25th लेक्चर है YouTube का, सॉरी इस पे QSO 984 का आर्टिकल 59 आज हमने पढ़ना है। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर लेक्चर, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लाइव ऑनलाइन CH कश्यपनी बारू के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन ऑन करना जो है मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर आए उनको फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमारी रूटीन है, हम स्टैचू को में से गो थ्रू होते हैं, तो उसी चीज को जारी रखते हुए आज हम अपना जो आर्टिकल 59 है उसको शुरू करेंगे। तो क्या नाम क्या है आर्टिकल 59 का? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ जिस पे आज हमारा लेक्चर है, ये बहुत सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रैक्टिस में बोथ साइड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो एक्सपर्ट्स की एविडेंस है इस लेक्चर को हमने तैयार किया है, तकरीबन 300 से ज़्यादा जो इसमें जजमेंट्स हैं वो हमने शामिल किए हैं, उसके अलावा इसमें काफ़ी डिटेल हमने दिए हैं। जब आप हमसे वो इसके नोट्स की कॉपी लेंगे या फिर इंशाल्लाह जब ये बहुत जल्द लेक्चर्स ऑन QSO 1984 के नाम से जो बुक पब्लिश होगी, तो उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी और इसको पढ़ने में इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे से नंबर वन जो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, सबसे पहली बात है व्हेन द कोर्ट, when the court क्या करता हूँ, जब court को when the court has to form an opinion upon a point, when the court has to form an opinion, जब court ने कोई opinion बनाना होता है किस चीज के बारे में, किसी चीजों के बारे में, number one किसी foreign law के बारे से, किसी बाहर के मुल्क का, किसी foreign country का जो law है उससे related जब कोई भी opinion court ने बनाना होता है उसके बारे में, और ऑफ साइंस सेकंड चीज है जी, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जहां से आपने लेना है और पास करना है। सबसे पहले फॉरेन लॉ के हवाले से अगर किसी किस्म का कोई है, या फिर साइंस के हवाले से अगर कोई ओपिनियन रखना फॉर्म करना है, और आर्ट, साइंस और आर्ट, या आर्ट पे कोई ऐसा ओपिनियन है कोर्ट ने लेना है, या और एज टू आईडी ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस और आइडेंटिटी ऑफ किस चीज की, आइडेंटिटी ऑफ किस चीज के बारे में, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट या फिंगर इंप्रेशन टू उसके बारे से। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन इसके बारे में, फॉरेन ऑन फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और ऑफ आर्ट और हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशन एक्सपर्ट्स के बारे से कोई भी ओपिनियन जब कोर्ट ने बनाना होता है, तो वो कोर्ट क्या करेगी, द ओपिनियन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन, द ओपिनियंस अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन सच फॉरेन लॉ, जो बंदा फॉरेन लॉ, जो शख्स फॉरेन लॉ में एक्सपर्ट होगा, जो इस पॉइंट पे जिसकी एक्सपर्टीज होगी, एजुकेशन होगी, उसके बारे से साइंस और आर्ट और इंटरेस्टेड एज स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशन और रेलेवेंट फैक्ट्स, सच पर्संस आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स। तो बात हो रही है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के हवाले से, कहीं मैंने बताया कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन किस-किस चीज के बारे में, नंबर 1 फॉरेन लॉ, नंबर 2 साइंस या आर्ट या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट या फिंगर इंप्रेशन के हवाले से, इन चीजों की आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग या ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग या फिंगर इंप्रेशन के हवाले से, अगर इन चीजों के हवाले से कोर्ट ने अपना ओपिनियन रखना है, तो किस चीज किसकी एविडेंस, ऐसे लोगों का ओपिनियन जो एक्सपर्ट है, क्वालिफाइड है किस फील्ड में, इन तमाम फील्ड्स में, फॉरेन लॉ में, साइंस में, आर्ट में, या इन हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशन के हवाले से, तो उनकी जो स्टेटमेंट होगी वो रेलेवेंट फैक्ट होगी। और रेलेवेंट फैक्ट पर्सन द स्टार्ट हो रहे ऐसे लोगों पे क्या कहा जाएगा, एक्सपर्ट्स कहा जाएगा। तो जो इसमें इलस्ट्रेशन दी गई है, नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हेदर द डेथ ऑफ एवर्स कॉज्ड बाय पॉइजन, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू सिम्पटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन, व्हिच केस पोज्ड टू
have died or relevant. जो first illustration है वो ये है कि अगर एक बंदे का ये है कि ये जहर की वजह से, जहर खुराने की वजह से मरा है या इसको जहर दिया गया, तो जो opinion होगा medical experts का जो postmortem में आएगा या जो भी pathologist की report आएगी, forensic की report आएगी, तो उसका जो opinion है वो relevant है. Secondly, इसमें example है जो question is whether A at the time of doing the second interval by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of that or that he was doing what was either wrong or returning to God. ये बड़ी important चीज़ है कि अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है कि जनाब जिस शख्स ने ये काम किया है या जब ये इसने काम किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिमिनल साइड पे देखा जाए कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट उसने परफॉर्म किया है या सिविल साइड पे कोई ऐसी किसी चीज़ के अपनी किसी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे ट्रांसफर किया या कोई भी ऐसा काम किया, तो उस वक्त जब ये मुकाबला था तो उसकी जो मेंटल कंडीशन थी वो स्टेबल नहीं थी, वो इन हालातों का वक्त को समझता उसको इस्तेमाल कर लिया गया और उसको इस्तेमाल करने की वजह से वो गलत तरीके से उसका फायदा लेके तो अपने हक में वो बयान करवा दिया गया या उससे वो क्रिमिनल एक्ट करवा दिया गया या उसने कर दिया, तो ये भी उसकी रेलेवेंसी होगी. थर्ड इंस्पिरेशन की क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट वाज रिटन बाय ए. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक सर्टेन डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें मिसाल में लगा के अगर वो क्या वो डॉक्यूमेंट ए ने तैयार किया है, अगर वो डॉक्यूमेंट या उसके सिग्नेचर है तो उसके ए के तहरीर करता जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैच करने के बाद या उनको आपस में जो मिलाने के बाद वो कौन एक्सपर्ट्स चेक करेगा कि क्या ये उसकी हैंडराइटिंग है या नहीं. तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आईडीएस के वाले से भी उसमें भी वर्डिंग जो है वो क्यूएसओ ऐड कर दिया है. अब इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपर्ट विटनेस के वाले से शॉर्टली सी हम बातें कर लेते हैं. वैसे तो इसमें मैंने बोले 4-5-6 पेज जो है वो मुख्तलिफ भाग है, अमेरिका में क्या होता है, इंग्लैंड में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, फ्रांस में क्या होता है, यानी कि जो कैनेडियन कंट्रीज है वहाँ पर क्या होता है. इसकी हेल्प जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो हम तैयारी करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की बुक्स जो है कंसल्ट करते हैं, इंटरनेट पर भी कंसल्ट करते हैं, इसमें विकीपीडिया वो एक बहुत अहम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब एक अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, गूगल है, उसके अलावा जो दीगर वेबसाइट्स हैं जिनको मतलब जो गूगल से भी मिल जाती हैं, उसके अलावा जो बुक्स हैं जैसे शोकत महमूद साहब की बुक है, महमूद साहब की बुक है, उसके अलावा जो QSO पे सरकार की बुक है, तो बहुत सारी बुक्स के साथ कंसल्ट करने के बाद जो चीज़ें हमें लगती हैं कि ये चीज़ें यहाँ से अच्छी हैं और ये मिलकर एक लेक्चर लगना चाहिए और उसमें जो चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं वो आप इन्हें लेके आते हैं. तो जो एक्सपर्ट विटनेस जो है वो बेसिकली ये चूँकि वहाँ पे तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट है तो उस हवाले से मैंने इसको काफ़ी इसमें ऐड लगा जोड़ा, इसको ऐड किया. लेकिन इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा बता देते हैं कि ये इसकी हिस्ट्री कब से शुरू हुआ. कहते हैं जी फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रैक्टिस जो है वो एंशियंट प्रोफेशन है. फॉर एग्जांपल इन एंशियंट बेबीलोनियन जो बेबीलोनियन मिडवाइफ्स होती थी पर यूज्ड एज एक्सपर्ट्स इन मेजरिंग प्रेगनेंसी, वर्जिनिटी एंड फीमेल फर्टिलिटी. जो है ना बेबीलोनियन जो तहजीब थी उस वक्त भी जो मिडवाइफ्स थी डायना जिनको कहते हैं वो एक्सपर्ट्स के तौर पे उनको उनका ओपिनियन लिया जाता था किसी भी लड़की के हवाले से, उसकी वर्जिनिटी के हवाले से या उसकी प्रेगनेंसी के हवाले से वो उसका एक्सपर्ट्स जो है ओपिनियन जो है वो लिया जाता था. उसके अलावा जो है रोमन एम्पायर में जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और लैंड सर्वेयर्स जो हैं उनका वो रोमन एम्पायर में उनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, उनसे मदद ली जाती थी. उसके अलावा जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है वो जो क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस है वो क्या होती है और किस किस तरीके से किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है. उसके बाद रूल्स ऑफ एविडेंस एंड कोड ऑफ प्रोसीजर जो है उसको थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है. जो हेयर से रूल है, चेन ऑफ कस्टडी, डेट ऑफ टेस्टिंग, टाइप ऑफ एक्सपर्ट विटनेस, टेस्टिफाइंग एक्सपर्ट्स, फील्ड एजुकेटिंग विटनेस, वोटिंग विटनेस, ये काफ़ी लंबा चौड़ा जो है कि हमने 4-5-6 पेज हैं हमने इसमें शामिल किए हैं. तो ये आपने अपने नोट्स लेके जो है ये क्योंकि प्योरली जो है थ्योरेटिकल सारा सिस्टम है तो इसलिए इसमें बेसिकली हमारा इन लेक्चर्स का मकसद है कि आपको चीज़ को समझाना. ये मकसद नहीं है कि आपको बिठा के बोर करना और मैं आपके यहाँ से ऊपर से रीडिंग करना शुरू कर दूँ, ये नहीं. हमारा मकसद क्या था, आई हैव टू व्हाट वाज माय टास्क, मुझे आपको बताना है कि आर्टिकल 59 जो है उसमें ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स की एविडेंस जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है उसकी क्या वैल्यू है. तो ये मैंने आपको बताया कि व्हेनेवर द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन किस किस चीज़ के बारे में वो हमने पढ़ लिया कि अगर आर्ट के बारे में, साइंस के बारे में, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के बारे में या जो थंब इम्प्रेशन है उसके उसके हवाले से या किसी भी और चीज़ के ये चले जाते हैं फॉरन लॉ के हवाले से,
तो कोई भी ओपिनियन अगर उसमें सपोर्ट में फाइंड करना है तो इस इन सब्जेक्ट्स में इन फील्ड्स में जो लोग एक्सपर्ट होंगे उनका जो ओपिनियन है वो पेश करना कोर्ट में वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। तो ये चीज अगर आपने आपको सुनता नहीं है तो ओपिनियन क्या होता है एक्सपर्ट के वजह से वो मैंने बताया आपको कि इस लेक्चर में डिटेल शामिल की है। इंशाल्लाह ये बुक भी जब छपेगी तो उसमें वो जल्दी ये बुक इंशाल्लाह मार्केट में होगी जो लेक्चर्स ऑन QSO 94 के नाम से वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो जल्द इसको लेके आए। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे उस वक्त एक बुक की शक्ल में भी आपके पास आ जाएंगे तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा आप उनसे नोट्स भी मांग सकते हैं। तो कुछ दोस्तों के साथ माजरत के साथ क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने हम बेहतर के साथ हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब नोट्स कोई हमसे डिमांड करें तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं लेकिन बहुत बार किसी फनी प्रॉब्लम की वजह से वो टेक्निकल फॉल्ट या कोई ऐसा वो डाटा प्रॉब्लम बन जाती है जिसकी वजह से हम लोग जो है वो टाइमली जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते लेकिन कोशिश हमारी होती है कि हम रिस्पॉन्ड करें। तो अभी हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे से इस आर्टिकल 59 को मद्देनजर रखते हुए कि एक्सपर्ट की एविडेंस जो है वो उसका है क्या। तो सबसे पहले इसके जैसा कि हम पहले भी पढ़ते होते हैं कि जो स्कोप होता है एक्सपर्ट विटनेस का कि एक्सपर्ट विटनेस की एविडेंस को किस हवाले से लिया जाता है। यहाँ पे हम इसको पॉइंट में बार बार एक चीज़ें बार बार डिस्कस करेंगे कि एक्सपर्ट विटनेस की बहुत वैल्यू होती है लेकिन दूसरी साइड पे एक चीज़ हमेशा मद्देनजर रखनी है कि जो एक्सपर्ट विटनेस है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस तो जिन जिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हमने डिस्कस करने हैं वो है उसकी स्कोप क्या है ठीक है स्कोप उसके अलावा उसकी जो एविडेंशियल वैल्यू कितनी है ये चीजें भी हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है एविडेंस जो देना एक्सपर्ट है वो उसकी वो एविडेंस कैसे देगा वो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे और भी लाजमी छोटे छोटे पॉइंट्स की शक्ल में मैंने बताया आपको कि हमने मोर देन कुछ 200-300 जजमेंट्स इसमें शामिल किए। सबसे पहले जनाब एक जजमेंट है जी 1354 CRJ 1354 CRJ ये इसकी जजमेंट है। ये कहते जी एंड नॉट अदरवाइज दस द एविडेंस ऑफ द सब इंस्पेक्टर दैट पर्टिकुलर वर्ड यूज्ड इन स्लिप पर कोड वर्ड्स फॉर अ पर्टिकुलर फिगर कैन बी सीन अंडर आर्टिकल 59 एज द कोर्ट इज नॉट इन सच अ केस कॉल्ड अपॉन टू फाइनल मीनिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ फॉर्मूला साइंस आर्ट और एस्ट्रोलॉजी ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट 1954 CRJ 1347 रियल मैजिक जजमेंट जिसमें बड़ा वाज़ह अंदाज में उन्होंने कहा किया कि QSO के अलावा जो चीज QSO में दी गई है अगर उस पॉइंट पे कोई ओपिनियन है एक्सपर्ट का तो वो तो वैल्यूएबल है वो तो एडमिसिबल इन एविडेंस है अदरवाइज नो वैल्यू उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह AIR 1933 PC 26 कॉपीराइट केसेस के हवाले से है इट इज नॉट परमिसिबल टू एडमिट एज एविडेंस ओपिनियन ऑफ लिटरेरी जेंटलमैन दैट द डिफेंडेंट डिड कॉपी फ्रॉम द प्लेंटिफ्स बुक यानी कि एक बंदे को लाकर खड़ा कर दिया यानी कि अब वही बात बार बार QSO में जो चीज दे दी गई है उसके अलावा अगर कोई ओपिनियन है उसकी कोई वैल्यू ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से 1991 एक्ट की 1037 और ट्रैकर डॉग्स के हवाले से एक जजमेंट है 442 CRJ 259 ये हमारे जो जदी बैकग्राउंड के लोग हैं वो इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो ट्रैकर डॉग हैं जो सूंघने वाले कुत्ते हैं जो वो जब जाते हैं तो वो ट्रैक करते हैं उस खुशबू को लेके वो आगे स्निफर डॉग जिसे कहते हैं स्निफर भी बोलते हैं स्निफर डॉग भी कहते हैं वो स्निफ करते करते जाते हैं और जाके सारी चीज़ें चेक करते हैं तो उनकी जो एक्सपर्टीज है उनको क्या है या जो उनका वो मालिक है क्या उसकी उसको एक्सपर्ट करना समझा जाएगा तो ये उसके हवाले से है जजमेंट। इसमें 42 CRJ 259 में क्या डॉग मे बी असिस्टेंस टू द पुलिस इन ट्रेसिंग अ क्रिमिनल बाय हिज स्मेल बट द बिहेवियर ऑफ सच डॉग कैन नॉट बी एविडेंस इन द केस There is no domain under which such evidence is invisible. Now it is very much clear. आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं क्या कुत्तों की शहादत चलेगी? तो कुत्तों की शहादत जो है इंसानों की दुनिया में नहीं चलेगी। बिल्कुल भी। जो स्निफर डॉग है उनकी एविडेंस जो है वो कोई प्रोविजन ऐसी नहीं है CRPC, PPC, QSO इन एनी लॉ कि जहां पे लिखा जाएगा हाँ ये चीज उन्होंने कहा कि दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज
But their evidence, their experts' evidence is not admissible in evidence according to QSO. Opinion of experts ke wale se ek judgment hai ki PLD 1992 Lahore pe 314 isme badi detail ke sath likha gaya ki opinion is an inference or conclusion. Opinion hota kya hai iske liye thoda sa is pe discuss kar lete hain ki koi bhi basically opinion hai kya. हमने पढ़ा था कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन. कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन. कोर्ट ने ओपिनियन बनाना है. क्या मतलब होगा इसका? कंक्लूजन. तमाम तर बातें सुनने के बाद जो उस कोर्ट ने कंक्लूड करना है, कंक्लूजन जो उसने इन्फ्रेंस ड्रा करना है, जो नतीजा अर्ज करना है, ये होता है ओपिनियन. तो इस पॉइंट पे बड़ी ही लिटरेरी जो जजमेंट है कि ओपिनियन इज एन इंफरेंस और कंक्लूजन ड्रॉन बाय अ विटनेस फ्रॉम फैक्ट्स. यहां से दो तीन चीजें बात हो जाती हैं इस जजमेंट को पढ़ने से पहले कि चूंकि ये कंक्लूजन है या इंफरेंस ड्रा करना किसी मखसूस हालात और वाकयात से, तो ये वही कर सकता है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है. एक मतलब उस चीज में एक्सपर्ट ही नहीं है तो वो कैसे कह देगा. अब बात देखिए ना कि जैसे ये पॉइंट काव्या के जनाब ड्यूरिंग जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो बाइंडिंग नहीं है कोर्ट पे. जो ओपिनियन ऑफ आईयू है वो इनएडमिसिबल एविडेंस है. क्यों? क्योंकि वो ओपिनियन है. ओपिनियन अब वो ओपिनियन कैसे दे सकता है? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ओपिनियन क्या होता है. ओपिनियन बेसिकली कंक्लूजन होता है, इन्फरेंस होता है, नतीजा हासिल करना होता है, या ओपिनियन इज ए नोशन और कन्विक्शन फाउंडेड ऑन प्रोबेबल एविडेंस. मखसूस एक खास एविडेंस पे बेस करते हुए उसने जो इन्फरेंस ड्रा करना होता है वो होता है. एक आप कह लें कि इट इज एन एस्टिमेशन व्हिच इज नॉट सर्टेन. You can say susceptible of exact knowledge. तो ये एक estimation होती है, एक नतीजा होता है, एक idea होता है, एक आप कह लें guess होता है, यानी कि जो उस base करता है उसकी evidence पे. अब इस तरह की जो evidence है, even otherwise general level पे अगर देखा जाए तो वो तो invisible piece of evidence है. कोई भी बंदा direct facts की बात कर सकता है. वो facts के बारे में ये बता सकता है कि ये चीज जो है वो ये fact मेरे knowledge में आया, मैंने अपनी आंखों से देखा. जैसे कि आपने पढ़ा था ना कि वो five senses जो है छू के, देख के, बोल के, सुन के, वो चीजें बतानी है, लेकिन उससे नतीजा हासिल करने का नहीं कर सकता. लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है जो आर्टिकल QSO 1984 में दी गई है कि जो एक्सपर्ट होता है ना उसको ये छूट हासिल होती है, उसको ये छूट है. अदरवाइज ये हेयर से एविडेंस है, लेकिन उसको ये छूट है कि वो एविडेंस दे सकता है, उसकी रेलेवेंट फैक्ट है. अब बात करें हम थोड़ा सा आगे चल के कि हु इज एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होता कौन है. एआईआर 1930 एक्सपर्ट होता कौन है बेसिकली. ये AIR 1930 अलावा 5878 डिवीजन में जजमेंट में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 59 के अलावा अगर कोई और बिल्कुल भी विटनेस अगर कहेगा ना कि जनाब मैं ये मेरा ओपिनियन है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. इसी तरह जजमेंट है 1980 PCR 6, एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल इन पर्टिकुलर फील्ड कॉलिंग टू व्हिच इंक्वायरी मेड्स. यानी कि वो जो जिस जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है, जिसके बारे में इंक्वायरी चल रही है, जिसके बारे में कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, जिसके बारे में बातचीत चल रही है, पूछा जा रहा है, उसके बारे में अगर उसके पास स्पेशल स्किल है, स्पेशल नॉलेज है, या उसका इलम होना चाहिए ना, उसके पास कोई डिग्री, कोई थेटिसिटी होनी चाहिए, उस हवाले से वो एक्सपर्ट होगा. उसके अलावा 1980 PCR 186 इन एवरी केस इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड द क्वेश्चन एज टू वेदर पर्सन इज कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस एज एन एक्सपर्ट एंड ही शुड बी परमिटेड टू डू सो और नॉट. कोर्ट डिसाइड करेगी 1980 PCR 186 कि किस शख्स को एक्सपर्ट का ओपिनियन देना है, ऐसे भी दर्जा देना है, और वो एक्सपर्ट आके एविडेंस देगा. इसी तरह 50 CR 1, इसमें भी यही बात कही. अब नेक्स्ट है, ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सपर्ट विटनेस में गोस किन-किन चीजों के बारे में एक्सपर्ट बता सकता है. वो फैक्ट्स के बारे में बता सकता है, वो फैक्ट्स से जो उसने नतीजा हासिल किया उसके बारे में बता सकता है, और वो उसका फैक्ट, उसका जो नतीजा है वो किन-किन फैक्ट्स पे बेस करता है. यानी कि ये चीज है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि
लाभ है वो कहता है जनाब ये मेरा ओपिनियन है ई। अब वो एक तो ये एविडेंस दे सकता है कि ये फ्लॉट था, ये फ्लॉट, ये फ्लॉट, ये फ्लॉट, इस पे ये। अब ये भी वो दे सकता है कि ये ओपिनियन जो मैंने फॉर्म किया है ये इन फैक्ट्स के इन दोनों के आपस में मिलने से क्या नतीजा निकलना चाहिए, तो ये बनता है इन दोनों के आपस में मिलने से क्या नतीजा निकलेगा, ये बनेगा। फिर इन दोनों के आपस में निकलने से क्या बनेगा, ये बनेगा। अब ये जब चारों में तीन मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। फिर ये आगे करते करते वो फाइनल कहता है ये बनता है। तो ऐसे फैक्ट्स, ऐसी चीजें जिन पे वो बेस करके अपना ओपिनियन फॉर्म करता है, देता है अदालत को, बताता है कि मेरा मेरा ये ओपिनियन क्यों है, ये है उसकी ग्राउंड है, ये उसकी सॉलिड रीजन है, वो सारी चीजों में एविडेंस वो दे सकता है। इसी तरह ये 39 कलकत्ता में पेज 245 as to facts and as express reasonably based on those facts if he is sufficiently qualified with experience to express such opinion. Second judgment ILR 1955 अगर एक वो एक्सपर्ट आदमी है, उसने मेहनत किया, गवर्नमेंट के कहने पे उसने काम शुरू किया था, तो उसकी उसको वैल्यू आपको देना पड़ेगी एज एन एक्सपर्ट। इसी तरह काज ऑफ डेथ के वाले से, नेचर ऑफ वेपन यूज के वाले से, टाइम ऑफ डेथ के वाले से जो ओपिनियन है मेडिकल एक्सपर्ट्स का वो रेलेवेंट फैक्ट होगा पीएल 957 और 669। उसके अलावा ये 1937 नागपुर पेज 17 पुलिस ऑफिसर नोटिस दैट देयर वाज सेमनेस इन मोटर्स ऑफ रनिंग हाउस ब्रेकिंग। यहां पर एक और चीज है, वो कहते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर है उसने अपना यहां पे देखिए पुलिस ऑफिसर का ओपिनियन जो है वो बढ़ने के वो ओपिनियन दे नहीं सकता, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर उसका ओपिनियन माना जाएगा बीइंग अ एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर। अब वो चीजें समझना ना, जिस तरीके से उसने फॉर एग्जांपल कैसे जी उसने तीन चार जगह की वारदातें हुई है, दो तीन चार पांच, तो उसने आके रिपोर्ट में ये कि मुझे लग रहा है ये कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है, क्यों जी आपको कैसे लग रहा है, वो कहता है आप देखें फला वारदात जो थी उसमें भी इस तरह की गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, इस टाइम पर उन्होंने चूज किया था, इस तरीके से वारदात की थी, बंदे को घर से उठाया था, फोन पे जो नौकर है घर का मालिक या मुलाजमा जो है सॉरी उससे फोन करवाया, फिर सेकंड वारदात में भी ये चीजें आई, थर्ड वारदात में भी ये चीजें आई, ये सारे लोग जब जितनी वारदातें हुई हैं इसमें सीसीटीवी पहले उतारे गए हैं, ये सारी चीजें वो बना के कहता है मेरा ये ओपिनियन है कि ये कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है। तो ये जो जजमेंट है एएआर 1937 नागपुर पे 17 उसने कहा कि उसकी जो है उसको एज ए एक्सपर्ट उसकी ओपिनियन को तस्लीम करना पड़ेगा। 2003 वाला अगला एक नाइन प्रूफ ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस के वाले से वेयर द पर्सन हु वाज प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट हैड नाइदर एग्जामिन डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन नॉर ही वाज ऑथर ऑफ रिपोर्ट रिलेटिंग टू द सेम रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट इन अ स्टैंड प्रूव इन अकॉर्डेंस विद लॉ व्हेनेवर यू हैव टू रिलाई ऑन द एविडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट यू हैव टू गिव एक्सपर्ट्स एविडेंस। एक्सपर्ट को अदालत में तलब करना पड़ेगा, उसको आपको कहना पड़ेगा कि ये मेरा ओपिनियन है इसके बारे में। कुछ चीजें जो सीआरपीसी में बताई नहीं है वो पार्शियल एडमिसिबल है, वो दो तीन रिपोर्ट्स जिनके हवाला सिर्फ उसमें नाम दिए, उसके अलावा अगर कोई भी ओपिनियन है तो उसको आपने अदालत में साबित करना है, ये पार्शियल एडमिसिबल चीजें नहीं है। इसी तरह ऑब्जेक्शन ऑन मोड ऑफ प्रूफ, अगर एक बंदा अदालत में आके कोई भी जो एक्सपर्ट एविडेंस जो है वो पेश करता है तो उस पर ऑब्जेक्शन जो है 1992 CLC 204 के जब वो एविडेंस देगा उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन लेना है, यानी अगर पहले जब उस एविडेंस कोई ऑब्जेक्शन आया फर्स्ट अपीलेट फोरम पे गए कोई ऑब्जेक्शन आया हाई कोर्ट में कोई ऑब्जेक्शन आया सुप्रीम कोर्ट गए कोई ऑब्जेक्शन आ गया कि ये ऐसे हुआ था नहीं, उस वक्त आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए 1992 CLC 204। उसके अलावा 1992 CLC 1801 इसमें भी उन्होंने यही बात कर ओपिनियन ऑफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वाज टेकन ऑन फाइल बाय ट्रायल कोर्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, फिर को ऊपर तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया, आखिरी फोरम में जाके एक ऑब्जेक्शन रेज कर दिया गया, उस ऑब्जेक्शन को उन्होंने कहा इसकी कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट पीआरई 1992 लाहौर 314 बड़ी डिटेल है इस पॉइंट पे, शॉर्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ऑल्दो इट वुड बी इनप्रोप्रिएट नॉट इवन पॉसिबल टू लेट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल ऑन द क्वेश्चन
Yet, generally speaking, as an IU is not an expert as envisaged by the above mentioned relevant domain of law. कि जो QSO 1984 में ये जो expert opinion में या वैसे जो चीजें दी गई हैं, उन पे बेस करके अगर देखा जाए तो IU जो है, उनमें किसी कैटेगरी में फाल नहीं करता, ना उसमें किसी साइंस की evidence है, ना उसकी कोई art की evidence है, ना फिगर expert है, ना वो कोई और इस तरह की evidence है, फिगर impression के वजह से ना उसकी handwriting experts की evidence है, ना वो फरला का expert है, तो ये उसको फिर IU को expert witness का दर्जा नहीं दे सकते, कोई टेक्निकल उसकी चीजें नहीं है कुछ। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज आईओ करता है जिसमें वो स्पेशलाइज टेक्निकल नॉलेज उसके पास है तो फिर आप उसको एक्सपोर्ट करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉरेंसिक वाले पुलिस ऑफिसर जो है वो जब भी कोई एविडेंस होती है, कोई कार्रवाई होती है, कोई केस बनता है, कोई डकैती होती है, तो थंब इंप्रेशन देने वाले आ जाते हैं फॉरेंसिक वाले, तो वो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने आए वो भी ऐसे वाले वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो हैं वो भी पुलिस ऑफिसर। लेकिन इसी तरह अगर आईयू भी कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी हैं वो पेश करता है, उन पे उसका ओपिनियन लिया जा सकता है, लेकिन जनरल जो एविडेंस है उस पे उसका ओपिनियन नहीं। इसी की ब्रेक में ना करके फोटोग्राफर जो है ये एक एक्सपर्ट है, स्किल्ड पर्सन है, प्रूफ फैक्टर सी को एविडेंस एविडेंस उसके डिफेक्ट्स और उसके ये अगर उसके गति किसी बारे में आई। इसी तरह 1958 CRLJ 149 ये भी इसी पे है। ज्यूलर के हवाले से जजमेंट है 1980 BCRJ 106 जो ज्यूलर होता है जी opinion of an experienced jeweler publishes stones and visible in evidence and experience in field was not challenged in cross examination. एक jeweler को बुलाया गया किसी मखसूस पत्थर को शांत करने के लिए, उसने शांत किया, उसकी evidence को admit किया जाएगा अगर उसमें कोई challenge नहीं किया जाए, उसकी जो expertise है उसको challenge नहीं किया गया during cross examination। तो ये आपको याद रखना चाहिए जब आप कोई cross examination आप करते हैं किसी witness के हवाले से, जो expert अपने आप को पोस्ट कर रहा है तो उसकी expertise को challenge करना चाहिए आपको, उसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक्साइज इंस्पेक्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एनएलआर 1993 क्रिमिनल 314 उन्होंने कहा कि जो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है वो जस्ट एक इंस्पेक्टर है, वो नहीं है एक एक्सपर्ट नहीं है, वो कहे कि मैन है ना बैक बोला उसके अंदर जस्ट पढ़ी हुई, मैंने उसको उठाया सुबह और मुझे जस्ट अभी नंबर चाहिए और कोई और रिपोर्ट अवेलेबल नहीं, तो वो उसको 1993 क्रिमिनल 314 के एक्साइज इंस्पेक्टर जो है वो बिल्कुल भी किसी तौर पे भी जो है वो एक्सपर्ट विटनेस नहीं है। कार मैकेनिक के हवाले से अब इन कार एक्सीडेंट केसेस हैं या कोई ऐसी डैमेजेस के केसेस कार एक्सीडेंट के हवाले से आते हैं तो डेफिनेटली जो कार मैकेनिक है वही कार को एक्सपर्ट होता है, वो उसका एक्सपर्ट ओपिनियन रिलेवेंट हो जाएगा। नॉटिकल असेसर्स द फंक्शन ऑफ नॉटिकल असेसर इज टू एडवाइस अबाउट ऑन नॉटिकल मैटर्स एंड देयर एडवाइस इज एक्सपर्ट एविडेंस एडमिशन इन एडमिरल्टी कोर्स। जो नेवल जो समंदर के हवाले से सी के हवाले से जो नॉटिकल असेसर है वो अगर कोई आपके ओपिनियन अपना फाइल करता है तो वो भी रिलेवेंट होगा। लिविंग ऑथर opinion of living author should not be cited in legal proceedings BRA 1976 Supreme Court 713 living author opinion of living author jab tak ye padha to opinion of living author ke agar aaye ek opinion of living author ek zinda jo musannif hai uska opinion jo hai uski koi value nahi hai supreme court apne judgment mein agar keh rahi hai मैं परेशान हो गया, मैं सोचा कि क्यों ऐसा होता है, फिर उसको जब मैं डीपली जाकर चेक किया तो उन्होंने कहा कि अगर एक बंदा खुद है तो उसका ओपिनियन वैल्यूएबल नहीं है, वो खुद आके अपने एविडेंस देगा तो फिर उस एविडेंस को कंसीडर किया जाएगा पीआरडी 1976 सुप्रीम कोर्ट 713। रीजंस फॉर ओपिनियन जब तक एक्सपर्ट जिन चीजों पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बार बार इसमें लास्ट का जजमेंट है कि जब तक वो अपना ओपिनियन दे रहा है ये प्लीज चेक इट जब अपना ओपिनियन दे रहा है तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बताएगा कि कौन सी ऐसी रीजन है कौन सी ऐसी बेस है जिस पे बेस करके उसने दिया अपने जजमेंट में जो वो ओपिनियन दिया तो अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं। पीएलई 1984 सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू कश्मीर पेज 29 इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जजमेंट है ये 1939 बॉम्बे की जजमेंट है 339 जनरली स्पीकिंग इट इज नॉट परमिसिबल टू कॉल अ विटनेस टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट अ डॉक्यूमेंट मींस अनलेस इट विटनेस इज एन एक्सपर्ट अंडर क्यूएसओ। वैसे जो घर बताया ये डॉक्टर क्या है उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर वो क्यूएसओ की आर्टिकल 59 में कैटेगरी में फॉलो नहीं करता तो फॉरेन लॉ के वाले से भी वो जो पढ़ा किया है 1926 मद्रास 1918 जो फॉरेन लॉ के क्वालिफाइड लोग हैं वो उनकी एविडेंस जो है एज ए फॉरेन लॉ एक्सपर्ट जो है वो रेलेवेंट होगी। जेमिश लॉ के वाले से के योगियों के लॉ के वाले से कि वो बेहतर समझ सकते हैं जो इस चीज को समझते हैं हिंदू लॉज के वाले से मुस्लिम लॉज के वाले से एक्सपर्ट ऑन साइंस और आर्ट के वाले से जो ये सारी चीजें जो है
ये चूंकि इनके relevant लोग जो हैं वो अगर मौजूद हैं वो opinion उनका relevant होगा। अगर किसी आम बंदे को वैसे उठा के कि जनाब ये भी बाहर का वकील है इसको आके जनाब फार्मूला पर कोई बात सुन, नहीं ऐसी नहीं है। जो वहाँ पे बुक्स छप रही हैं, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर छप रही हैं, उन बुक्स को मद्देनजर रखते हुए, उनके अंदर जो ओपिनियन दिए गए हैं उनको देखते हुए, जो सर्टिफाइड बुक्स हैं जो पढ़ाई जा रही हैं सालों साल से, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो उनकी उनके अंदर जो ओपिनियन मौजूद है वो रेलेवेंट फैक्ट होगा। नेसेसिटी ऑफ एक्सपर्ट विटनेस की भी इसकी जरूरत होती है। 2003 रायल आर्ट 195 एट श्री कोड ए जे के एविडेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ द एक्सपर्ट ओपिनियन नेसेसिटी व्हेन एविडेंस इज नॉट विटनेस बाय आई विटनेसेस एंड केस इंटायरली डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो ये थी वो चीजें। अब इससे आगे एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है, लेट्स मीट इन पार्ट 2।